हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। कल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि जो सीबीएसई की कापियां है, 10 मई से चेकिंग शुरू कर दी जाएंगी। और इन कापियों के चेकिंग के लिए ऑल इंडिया में लगभग 3,000 नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं, और इन नोडल सेंटर्स के थ्रू लगभग 1.5 करोड़ कापियाँ चेक की जाएंगी। ओके, और करना क्या है कि इन नोडल सेंटर्स के लगभग 10 किलोमीटर्स के रेंज में जितने भी टीचर्स रहते हैं, उनके पास कापियाँ सीबीएसई अपने सुपरवाइजर्स के द्वारा इसको क्या करेगी, उनके घर पे कापियों को भेजेगी, और हर टीचर्स के पास एक पैकेट जाएगा। पैकेट के अंदर 200 कापियाँ रहेंगी, और इन कापियों को टीचर्स को चेक करके 7 डेज के भीतर उस नोडल सेंटर पे क्या करना है, वापस करना है। और सबसे मस्ट मस्ट है कि जब नोडल सेंटर से सुपरवाइज़र जब कापी आपके पास लेके आएंगे, तो हर टीचर के पास आरोग्य सेतु ऐप का होना कंपलसरी है। तो बच्चों, आप लोग भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करिए और घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। और सीबीएसई ने ये स्पेशली गाइडलाइन में दे रखा है टीचर्स को कि अगर कापी चेकिंग में बच्चों के आंसर्स में किसी भी स्टेप पे कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन है, तो उसका रिजल्ट मतलब उसकी मार्किंग बच्चों के फेवर में की जाए, कहीं से बच्चों का कोई नुकसान ना हो। यानी कापी पूरा 100% क्या करना है, बच्चों के फेवर में चेक करना है, कहीं से किसी बच्चों के मार्क्स में डिडक्शन नहीं करना है। अगर कापी चेकिंग में कहीं से कुछ भी मिस्टेक पाई जाती है, तो उसके जिम्मेदार टीचर्स होंगे। ये टीचर्स के लिए थोड़ा सा क्या किया गया है, अंकुश लगाया गया है, और ये टीचर्स को पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी कापी आपके घर पे जा रही है, आप उसको खुद चेक करेंगे, आप कहीं से किसी की कोई हेल्प नहीं रखेंगे, और इसकी पूरी गोपनीयता बनाए रखेंगे। और बच्चों, जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है, हर बच्चों के मन में है कि रिजल्ट कब आएगा, हमें आगे एडमिशन्स लेने हैं, किसी को बीटेक में एडमिशन लेना है, किसी को ग्रेजुएशन के लिए लेना है, तो ये पूरा सिस्टम इस समय डैमेज हो चुका है। तो जैसे रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आगे के प्रोसेस करेंगी हर यूनिवर्सिटीज़। तो इसके लिए बच्चों टेंशन नहीं लेना है, आपका रिजल्ट मे बी जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में आएगा, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स जो बच गए थे, ये एग्ज़ाम्स आपके 1 से 15 जुलाई के बीच में जब ये ख़त्म हो जाएंगे, जब इनकी कापी चेकिंग हो जाएगी, उसके बाद ही रिजल्ट एक साथ 10th और 12th का आएगा। ओके, तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। आपके अंदर से ये टेंशन ख़त्म हो जाना चाहिए कि हमारी कापी चेकिंग कब होगी, रिजल्ट कब आएगा। आप अपने आप को खुद को उसी के हिसाब से प्रिपेयर करिए। जिस यूनिवर्सिटीज़ में आपको एग्ज़ाम देना है, इंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, उसकी तैयारी आप अच्छे से करिए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, सबको ढेर सारा नंबर मिले, भर भर के नंबर मिले, सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पास हों। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। चलिए, ओके।